गुड मॉर्निंग पंजाब जी पंजाब रहना हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों सजरी सवेर ते सत श्री अकाल। मैं थोड़े नाल गगन ते गल करांगे श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी हरियाणा बीजेपी के दरमियान जो रेड़का इस बार देखने मिलिया। दरअसल श्रोमणी अकाली दल के विधायक ने हरियाणा बीजेपी के रवैये से सवाल चुके ने। किसानों के हक के श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि असी आवाज़ चुकते रहे हाँ चुकते रहेंगे, किसानों के हक के जेल तक जाने के लिए तैयार हाँ, ये श्रोमणी अकाली दल ने दावा किया। हरियाणा सरकार चाहे 10 मामले भी दर्ज कर ले, हरियाणा के सीएम के खिलाफ शांतमई प्रदर्शन किया जाएगा। दो तस्वीर थोड़ी टीवी स्क्रीन पर ने और श्रोमणी अकाली दल का जो प्रोटेस्ट है और दूजी तस्वीर के जिस वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विघन भी पाया गया से। उस वे भी श्रोमणी अकाली दल के इन विधायकों के वालों हरियाणा सरकार के खिलाफ आवाज चुकी गई। पश्चिमी बंगाल चोन प्रचार के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट और कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू चोन प्रचार करेंगे। पश्चिमी बंगाल की चोणों के कांग्रेस के लिए प्रचार किया जाएगा। सुरजेवाला दीपेंद्र हुड्डा चोन प्रचार की कमान सांभेंगे। पंजाब पुलिस की एसआईटी की टीम ने बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वेले की वड्डी खबर है, पंजाब पुलिस की एसआईटी ने शुरू कर दी है बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के वालों जेएमआईसी कोर्ट के विच इस संबंधी जानकारी दी गई है और सुरिंदर पाल सिंह परमार की अगवाई वाली एसआईटी हुण उस पूरे मामले की जांच नूं तोरूगी। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सीबीआई ने पुलिस को दस्तावेज सौंप दिए। हम गल करांगे विधायक गुरकेत सिंह कोटली की कहते हैं हरियाणा की तर्ज से उन्होंने कहा है कि विधायकों भी गड्डिया ते खास झंडा लगाए जाने की इजाजत दे देनी चाहिए है। गुरप्रीत सिंह कोटली की इसे मांग से आम आदमी पार्टी के विधायक मीत हेयर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के श्रोमणी अकाली दल तो ही तो वीआईपी कल्चर टुट नहीं रहा, यह तो जुड़े हुए। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा की सरकार ने हर एमएलए नूं वक्रा फ्लैग जिहड़ा वह गड्डी ते लाउण की इजाजत दे दी है। तो इस करके इस सैशन दे विच साढ़े वालों भी मंग उठाई गई कि एम एल एज़ नूं उहनां दे जिहड़े विधानसभा वालों फ्लैग जारी होण तां कि माण मर्यादा का भी सवाल आ और इहदे नाल आम लोकां दे विच भी इस गल की आइडेंटिटी बनी रहिंदी है। देखो जिहड़ा ये वी आई पी कल्चर है ना, ये कांग्रेसियां चो जां जिहड़े अकाली दल वाले आ इन्हां चो निकलदा नहीं। इह जिहड़ी एम एल ए साहब ने गल की है कि कोई स्पैशल झंडियां लाइया जाण जिहदे नाल पता लगे भी इह गड्डी एम एल ए दी है, सो मेरी एम एल ए साहब नूं भी इह बेनती है कि जिद्दां दी थोड़ी कारगुजारी रही है चार साल, तुसीं तां इह हल करो भी थोड़ा पता ना लगे भी इह किहड़े एम एल ए दी गड्डी है, कांग्रसी दी गड्डी है। एससीएसटी कमीशन के चेयरमैन बनने तो बाद विजय सांपला पहली बार लुधियाना पहुंचे थे। बीजेपी वर्करा के आगुआ के नाल बैठक की, बैठक के विच कोविड 19 के शरेआम जो तजियां उड़दियां दिखियां टीवी स्क्रीन से साढ़े दर्शक वेख सकते हैं तस्वीरों के राही कि किस कदर किसी भी विधायक ने अपने फेस से मास्क नहीं पाया, बिना मास्क के खुद विजय सांपला भी नजर आए। प्रशासनिक अधिकारी ते समाजिक जड़ियां अनुसूचित जाति संस्थावां जिन्नियां भी है उन्हां सारयां दे नाल अज इत्थों दे जिला दी प्रशासनिक रिपोर्ट दे उत्ते और जिन्हां अनुसूचित जाति दे उत्ते की योजनावां दे उत्ते की होया ते किन्ने अत्याचार निवारण केस होए उह सारयां दी रिपोर्ट लांगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कई सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के बुलारे के मुताबिक आरटीआई के राही खुलासा किया गया कि पिछले चार साल निजी कंपनियां ने 20,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन योजना किसानों के फसली मुआवजे संबंधित है।
आम आदमी पार्टी के आगू दिनेश चड्डा के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना दे जो हिस्सा तीन काले कानूनों तो पहला ही केंद्र की बीजेपी सरकार अपने माड़े इरादे कारपोरेट्स के खजाने भरने वाले अपने माड़े इरादे जिहड़े है किसानों नूं लुट्टण वाले अपने गलत इरादे इस मुल्क दे विच वख वख योजनावां दे राहीं वख वख कानूनां दे राहीं इंप्लीमेंट कर चुकी है। किसानां दी फसल जदों खराब हुंदी है किसानां दी फसल खराब होण ते उहनां नूं मुआवजा किसे ना किसे रूप दे विच देण दा जिहड़ा रिवाज है ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 34 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 194,753 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ 10,452 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,030 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1400 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1414 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ, 34 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੇ। SBS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 124 ਕੇਸ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 152, ਲੁਧਿਆਣਾ, SAS ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। DC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕੇ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਗੀ, ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ।
कोरोना के लगातार वध रहे मामलों को देखते हुए सूबे के 8 जिलों के नाइट कर्फ्यू हूँ लग चुक है। मोहाली के कि असर देखने मिल रहा है, आओ देखते खास रिपोर्ट। पंजाब दे विच लगातार कोरोना के मामले वधदे नज़र आ रहे हैं, तो इस वधदे हुए अंकड़े नूं वेखदे हुए चिंताजनक जिहड़ा कि अंकड़ा सामने आ रहा है उहनूं वेखदे हुए पंजाब दे कुछ हिस्सों दे विच नाइट करफ्यू इंपोज़ किया गया, यानी कि रात के 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक मूवमेंट नूं रिस्ट्रिक्ट किया जाऊगा। इहदे विच पटियाला, लुधियाणा, मोहाली ते होर भी पंजाब दे कुछ जिले ने जिन्हां दे विच नाइट करफ्यू इंपोज़ किया गया। तस्वीरां इस वक्त तुसीं वेख सकते हो, रात लगभग 11:30 बज चुके ने ते इस वक्त असी मौजूद हाँ मोहाली दे 7% मार्केट विखे, जिथे कि तुसी वेख सकते हो मार्केट लगभग बंद हो चुकी है। इस वक्त पुलिस दी गड्डियां भी इत्थे मौजूद ने जिहड़ी कि लोगों नूं आगाह कर रही है नाइट करफ्यू बारे, क्योंकि अज पहला दिन है तो कितना ना कितने इस करफ्यू का असर भी खासा नज़र आ रहा। उत्थे ही दूजे पासे तुसी सड़क ते भी तस्वीरां वेख सकते हो, सड़क के उत्ते भी ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक यानी कि नाइट करफ्यू सरकार वालों इंपोज़ किया गया मोहाली, पटियाला, लुधियाणा, नवांशहर ते होर जिलों के, क्योंकि लगातार कोरोना का जिहड़ा अंकड़ा है वह वधदा नज़र आ रहा। कोरोना के जिहड़े पॉजिटिव केसिज ने वह लगातार वधदे नज़र आ रहे हैं, तो इस अंकड़े दे विच इजाफा होण दी अग्गे भी आशंका जताई जा रही है। तो सरकार वालों एक प्रीकॉशनरी स्टैप के तौर के उत्ते नाइट करफ्यू इंपोज़ किया गया, तो जेकर गल की जाए लोगों की तो कितना ना कितने लोगों को अवेयर होना पड़ेगा ता ही इस खतरनाक बीमारी तो जिहड़ा कि वह बचा जा सकता है। क्योंकि जेकर गल की जाए पिछले लॉकडाउन की तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पाया कि कितना कितने क्लीयर होंगे कि जेकर लोग हिदायतों मनणगे हिदायतों की पालना करे तो कितना ना कितने प्रशासन वालों कोई सख्ताई जी लोगों के उत्ते नहीं वरती जाऊगी। कैमरामैन भरत दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया मोहाली। COVID-19 लैके एक बार फिर सूबे दे विच तेजी आ गई है। जी हाँ बिल्कुल, COVID-19 के मामले सूबे विच वधदे जा रहे हैं। इसनों लैके प्रशासन ते सरकार ने दोबारा तो कुछ सख्त फैसले लए ने। ये फैसले ने पंजाब के कई जिलों के नाइट करफ्यू दोबारा तो लगा दिता गया है। इस वेले असी कपूरथला च मौजूद हाँ और नाइट करफ्यू के कुछ तस्वीर तुहानू दिखाण जा रहे हैं। ये नाइट करफ्यू दी तस्वीर ने। इस वेले असी कपूरथला जलंधर रोड और कपूरथला करतारपुर रोड जो कि नैशनल हाईवे भी जाता है उदियां तस्वीरां ने। ये कुछ लोगों को रोकया गया है करफ्यू के दौरान और उन्होंने को पूछगिछ की जा रही है कि वह किस काम लिए बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि COVID-19 के प्रसार को रोकने वास्ते नाइट करफ्यू लगाए गए हैं। लोगों को सुचेत किया जा रहा है कि बिना किसी कामकाज तो ना निकलिया जाए। और इतने साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तनदेही अपना काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को चेतावनी दे के छड्डिया भी जा रहा है। जिन्होंने मास्क मूँह से नहीं लगाए उन्होंने मास्क लगाने लिए कहा जा रहा है। कई लोग जो बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रहे उन्होंने कार्रवाई भी की जा रही है। होर की किया जा रहा है कपूरथला से इस नाइट करफ्यू से, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है, लोगों के साथ की लड़ है। इस वे थाना सिटी के मुखी मौजूद ने, उन्होंने गल करते हैं सर, ये जो नाइट करफ्यू है कपूरथला के किस तरह तुम लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन कर रहे हो, की गाइडलाइनस ने और कि लोगों आन जाने की मनाही और कौन आ जा सकता है? सरकार आदेश मुताबिक अभी जो भी 11 तो 5 तक नाइट करफ्यू आई थोड़ी चैकिंग कर रहे हैं। ये एमरजेंसी सेवाओं वाले जो कोई होर जो ड्यूटी कर्मचारी वो जान दे रहे हैं, जोड़े वैसे भी कोई किसी कोई एमरजेंसी का कोई मरीज आना बिल्कुल जान आने की है साढ़े सरकारी हिदायत मुताबिक। बाकी जोड़े वैसे भी कोई खड़बस्ती वाले या दूसरे मुल्कर आए उन्होंने बकायदा 188 के पर्चे दे रहे हैं, पर कोई लंघना संबंधी बिना मास्क तो चलान कर रहे हैं। सो तुसी आप देखा है कि कपूरथला के जिहड़ी पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आने जाने वाले पूछा जा रहा है। लेकिन एक इतने बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती तो बगैर असी सब अपील के नाल इस बीमारी नाल लड़न लई अगे आईए अते इस बीमारी तो अपने हर आम खास नूं बचाउण दी कोशिश करिए। कपूरथला तो कैमरामैन प्रमोद दे नाल संदीप रोहित, जी मीडिया। पंजाब दे विच लगातार वधदे हुए जिहड़ा है कोरोना वायरस के मामलों नूं देखते हुए जिथे सरकार ने सख्त फैसला लिया ते रात 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जिहड़ा है करफ्यू
लगा दिता गया, जिसनों लैके जो है पंजाब हिमाचल बॉर्डर जिते सील कर दिता गया। असं इस वक्त हुशियारपुर बॉर्डर उत्ते मौजूद हाँ जो पंजाब हिमाचल सीमा के नाल लगता है। इस वक्त साढ़े नाल कोई सुरक्षा कर्मचारी ने, मैं तुहानूं दिखा देना चाहुंदा हाँ कि पूर्ण रूप दे विच जिहड़ा है अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि दिखा कि जिहड़ा है लोग जिहड़ा है रोड दे उत्ते किते भी नज़र नहीं आ रहे, सुरक्षा कर्मचारी अपनी सुरक्षा दे विच जिहड़े तैनात ने उहनां नाल गल करदे हाँ। इस तरह के लैके जिहड़ा कीते गए मानयोग एस एस पी हुशियारपुर वालों दिशा निर्देशों के उत्ते एक कोबा के तहत 11 to 5 जरा करफ्यू लगे हुआ, ये भार ढोन वाले ट्रक एंबूलेंस ही जा सकते हैं, बाकी सारे जाने की आज्ञा नहीं है। बार्डर पूरा सील किया हिमाचल के कोई भी आ जा नहीं सकता है, तो जोड़ा बंदा यदि अपने उलंघना करेगा तो वह कानून सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल गल की जाए तो जी उस उत्ते सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ तो सिर्फ भार ढोने वाले जोड़े वाहन ने उ जोड़ा है रोड के उत्ते चल सकते हैं, होर भी कोई व्यक्ति जोड़ा है जोड़ा है कोरोना वायरस के चलते जोड़ा है रोड के उत्ते नहीं चल सकता, जिसके चलते रात 11 बजे तो लैके सवेर 5 बजे तक यह पूर्ण रूप में करफ्यू जी लोगों को पालना करनी पै सकती है। कैमरामैन विजय शैली के नाल रमन खोसला, जी मीडिया। मैं इस वक्त साई शहर पटियाला के त्रिपड़ी बाजार के खड़ा हाँ। अमूमन इतने जोड़ा है फिलहाल दुकाना जी 10 बजे के करीब खुलिया रही है, परंतु अगर तस्वीर अज दिखाई जाए तो दुकाना बंद कर दी गई ने, यानी कि त्रिपड़ी जोड़े है व्यापारी या दुकानदार वालों जोड़ा है प्रशासन के जी गाइडलाइन देखते हुए या करफ्यू की पालना करते हुए 1 घंटा पहला ही जी दुकाना बंद कर दी गई हैं, यानी कि प्रशासन की जी है जो अपील है यही मनिया गया है। मेरे इस वक्त लोग भी जुड़े हैं, एम सी साहब भी जुड़े ने, गल करेंगे सब तो उन्होंने की लगता सरकार के इस फैसले को किवें देखते हो? 11 बजे फैसला लिया सरकार ने, सरकार जो भी फैसले लेंदी है जनता के हित वास्ते लेंदी है, सानू सरकार के हुक्मों की पालना करनी चाहिए है, जिवें कि सोशल डिस्टेंस हो गया, मास्क ला रखना जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, तो वध तो वध सानू है अपनी जी बेरोजी एक्टिविटी है घटाना चाहिए है, बहुत जरूरी है तो बाहर निकलना चाहिए है, कोई दवाई लेनी है कोई बहुत जरूरी काम है तो जाना चाहिए है, अदरवाइज कोई भी अपन अननेसैसरी एक्टिविटी कोई नहीं करनी चाहिए। गल करिए आप इस तो पहला भी कि लोग थोड़े जे बेफिक्र हो गए थे जेडे केस हौली हौली बढ़ रहे या नहीं बेफिक्र हुए थे किवें देखते इस बेफिक्र तो हो गए थे तो सख्ती घट गए थे बिल्कुल ही क्यों जनता सख्ती होएगी तो कंट्रोल रहता है, नहीं तो अगला सोचता भी सख्ती तो है नहीं, कोई कहीं एक्टिविटी करी हो अपनी एक्टिविटी करी आते हैं जी, तो सानू हुण सरकार के हुक्मों की पालना करनी चाहिए है, सानू कोई बेरोड़ी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जी जी जी। मेरे नाल चिंटू नासरा प्रधान ने जुड़ो इत्थे दे मार्केट दे एसोसीएशन दे उन्होंने भी गलबात करांगे। चिंटू जी ये दसो कि 11 बजे लैके 5 बजे तक जी करफ्यू का ऐलान दिया कोई फायदा होगा? यदा बहुत फायदा होगा जी, इस तरह लोग रात को सैर पर आते जी करफ्यू ना शहर तो नहीं आएंगे। दुकानदार सवेरे जो दुकाना खोलती उन्होंने कोई मैसेज दोगे सोशल डिस्टेंस मास्क की या सैनिटाइजर के? जेडे साढ़े वे दुकानदार भरा ने सबू यही असं बेनती करते हैं कि मास्क नाल की कहते सैनिटाइजर का जरूर की कहना प्रयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंस की भी जी है। हाँ जी हाँ जी सोशल डिस्टेंस की भी 6 फुट 8 फुट की दूरी रखी जाए। कैमरा परसन हरविंदर सिंह बलिंदर सिंह, जी मीडिया। फिलहाल इन्होंने खबरों की जानकारी के नवी ताज़ा खबरों के फिर मिला।